क्रेडिट तो पूरी टीम को ही जाता है, पूरी टीम खेलती है मेरी, तो सिंगल पर्सन कोई नहीं खेलता सर, और पूरी टीम एक जो कबड्डी हम कहते हैं बचपन से खेलते आ रहे हैं कबड्डी, वो कबड्डी खेलती है मेरी टीम, सभी परफॉर्मेंस करते हैं, जो डिफेंस है वो अपना रोल प्ले करता है, जो रेडर है वो अपना करता है, सो काफ़ी अच्छी खेली है और मज़ा आया खेलने में। देखो टीम जीती है तो काफ़ी खुशी है, खुशी का माहौल होता है जब टीम जीतता है, और जो उम्मीद थी, जो मेरी टीम का विश्वास था उस पर टीम खरी उतरी है और खुश हूँ आज की जीत से। देखो प्लानिंग तो आप हर टीम के लिए करके आते हो ना, गुजरात के लिए वो हमारे लिए प्लानिंग करके आए थे, हम उनके लिए करके आए थे, उन्होंने हमें एकदम से सरप्राइज़ दिया है, नए कॉर्नर और नए 3-4 प्लेयर चेंज करके, और हमारे तो सेम ही थे, एक ही प्लेयर चेंज था। सो प्लानिंग तो मैच से पहले आप कितनी ही कर लें, लेकिन वो बहुत कम काम आती है, जब सिचुएशन बदलती है मैट पे वो प्लानिंग ज़्यादा काम आती है। मेरे को लगता है हमारी टीम उसमें ज़्यादा अच्छी है, जो टाइम टू टाइम प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, उस पे अप्लाई करते हैं उसी टाइम बना के, वो ज़्यादा बेटर किया मेरी टीम ने। नहीं नहीं वैसे ही नहीं, हमने उसको स्टार्टिंग से प्ले कराया क्योंकि पूरा फिट है वो। दूसरा लड़का सूरी है, वो भी बहुत अच्छा है, हम चाहते थे, वो भी NYP बच्चा है, पिछले सीजन में इंजरी के कारण नहीं पिछला सीजन अच्छे से कर पाया अपना, इस सीजन में वो रिकवर होके आया है। सो ये ऐसा मंच है, यहाँ पे जितने भी आपके पास बच्चे हैं सबका दिल करता है, सब ट्रेनिंग करके आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं ना, शिवम महाराष्ट्र से है जहाँ कबड्डी अब तक जिंदा रखी हुई है महाराष्ट्र ने पूरे इंडिया में, तमिलनाडु से सूर्या आता है जहाँ पे कबड्डी का गढ़ माना जाता है हमारा। सो इस स्टेट के नए यंग बच्चे हैं, सो उसका भी मनोबल बढ़ेगा अगर आप उसको स्टार्टिंग से खिलाते हैं, वही हमारा मकसद था, और शिवम ने उसमें बहुत अच्छे से साथ दिया कि आज सर इसको स्टार्टिंग में प्लेइंग सेवन में लेके आओ, यही कैप्टन का मेन वो था कि नया बच्चा है सर इसको मौका मिलेगा, बस वो था। हमारी टीम में कल ही कोच की नहीं चलती, पूरा मैनेजिंग स्टाफ है हमारा, पूरा जितना भी स्टाफ है साथ में कोच कैप्टन हमारे प्लेयर सब बैठ के एक मीटिंग करते हैं किसको खेलना है, वो खेलता है। देखो सर यहाँ प्रो कबड्डी में ना आप किसी चीज़ का एडवांटेज बॉल कितना ही लो लेकिन मिलता नहीं है, आपको वहाँ भी नए सिरे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनकी अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर सिचुएशन क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। हम जीते उनसे, पिछले सीजन में भी हम 3 मैच जीते थे गुजरात से, इस सीजन में 2 मैच हैं अब तक दिख रहे हैं लीग में, तो एक जीत चुके हैं, दूसरा मैच हमें बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा क्योंकि वो भी पूरा अपना दमखम लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अच्छा गेम चला था और गुमान सिंह ने भी अपना बेस्ट किया, लेकिन डिफेंस में काफ़ी गलतियां हुई, खासकर नीरज से, जहां गेम कंट्रोल करना चाहिए वहां कंट्रोल नहीं कर पाए, इस वजह से गेम निकल गया, अदरवाइज़ स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी और रेडर ने अपना बेस्ट किया, खासकर गुमान सिंह ने। बिल्कुल ट्राई करेंगे कि जो इस मैच में गलतियां हुई हैं, डिफेंस ने एडवांस टैकल किया है, जहाँ भी मिस्टेक किया है, आने वाले मैच में ये चीज़ ना हो, उस पर काम करेंगे। देखिए मैं रेडर बहुत अच्छा खेले आज हमारे, जहाँ तक गुमान सिंह की बात की अपना, उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखा, ज़्यादा मिस्टेक डिफेंस में हुई, जहाँ भी आप मैच कंट्रोल कर सकते थे वहाँ से लूज़ हुआ सारा कुछ, और वहीं से मैच लूज़ हुआ हमारा। देखिए डिफेंस पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा ज़्यादातर, तो क्योंकि रेडर हर मैच में, अभी पिछले मैच में भी अच्छा कर रहे थे और इस मैच में भी अच्छा कर रहे थे, तो ज़्यादातर हम अपने डिफेंस पे ही काम करेंगे।